हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप एवरीवन शुड बी फाइन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी एचडीयू एंड डीएचओ के लिए जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है उसके ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस मॉक टेस्ट को देना चाहते हैं तो आप एचपीएससी एचडीयू डीएचओ मेंस इस वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको वहीं पे शेयर किया जाएगा। इसमें आपको थोड़ी सी डिटेल देना चाहता हूँ इस टेस्ट का जो रियल मोटिव है वो क्या है। फर्स्ट थिंग, अभी आपके पास 10 डेज है, ठीक है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी करनी है। एंड जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके आंसर एग्जामिनर के पास कैसे जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है अप्रोक्सीमेटली 30 जो डेली आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, तो उनका इवेल्युएशन भी हो रहा है। एंड जो स्टूडेंट अभी तक आंसर नहीं लिखे हैं, प्लीज आप दो मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा एसडीयू के अंदर मेरे पास 5 कैंडिडेट ने डेली क्वेश्चन भी लिखे थे, बट उन्होंने बिल्कुल पेशेंटली 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे एंड सभी ने एग्जाम क्वालिफाई किया था मेन्स का। एंड मॉक टेस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको 18 क्वेश्चन मिलेंगे एंड टाइमिंग भी आपकी रियल एग्जाम की जैसी रहेगी। इस 18 में से आपको 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स का रहेगी। आपकी तो जितनी मिस्टेक्स हैं उसको आपको पता लगेगा, ठीक है, एंड उसी को आपको करेक्ट करना है। दैट्स इट, जितनी मिस्टेक्स हैं आप इन 2 मॉक टेस्ट में कवर करो। इसके अलावा इन 2 मॉक टेस्ट के अंदर हम ट्राई करेंगे 60-70% वो क्वेश्चन डालें इसके सबसे ज्यादा चांस है एग्जाम में आने के लिए। जो भी आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जितने भी टर्म्स हैं या फिर जो भी हमारे साइड से जितने भी एफर्ट है इस सारे के सारे मॉक टेस्ट में लगाए जाएंगे। इनका इवेल्युएशन आपको विद इन 1 और 2 डेज मिलेगा। एंड जो बैच के कैंडिडेट हैं उनको स्पेशली मैं कहना चाहूंगा, जब आप इसको अटेम्प्ट करें तो अपना नेम लिखें आंसर शीट के ऊपर, या सभी स्टूडेंट के लिए है नेम, देन अपना डिस्ट्रिक्ट और कौन बैच से है या फिर बैच का नाम जरूर लिखें। जो स्टूडेंट नहीं है प्लीज नेम लिखें, डेट लिखें, डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है, एंड सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो भी फॉर्मेट होगा वो पता चल जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगी। इसकी जो टाइमिंग है वैसे याद होना था, बट आज एफओ का एग्जाम है जैसे 12 to 3 रियल एग्जाम आपका इसी टाइम पे होगा। एक तो आपका कल है 31 दिसंबर को, एंड सेकेंड जो मॉक टेस्ट है वो आपका 4 जनवरी को। तो हमारी साइड से जितने भी आपकी सेशंस होंगे जितना भी इवेल्यूएशन होगा वो हार्ड से हार्ड किया जाएगा ताकि एग्जाम के अंदर आप एनसीओर कर सको कि अगर आप इतना लिख रहे हैं तो इससे ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। एक रियल एग्जामिनर आपको 8 नंबर दे रहा है तो वहां पर आपको 6 से 7 नंबर ही दूंगी, ठीक है। अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप एचपीएससी एचडीयू डीएचओ टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें। एंड बैच के स्टूडेंट हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी इवेल्यूएशन के अंदर, उनको जो आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, वो बाद में शेयर किए जाएंगे जैसे आपका 4 जनवरी का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तब आपको अगले 6-7 दिन सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है बार बार, 60-70% आपका क्वेश्चन वहीं से आ सकता है। जैसा कि हरियाणा एसडीओ के टाइम में हमने आपको 20 टॉपिक्स बताए थे एंड उसमें से आपके में से 8 से 9 क्वेश्चन वहीं से आए, ठीक है, तो आपको टॉपिक्स बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे को क्वेश्चन पता, ठीक है, क्योंकि रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि आपकी सबसे मेजर कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो आप अपना अच्छे से एफओ का एग्जाम देके इसको अटेम्प्ट करें। द वेरी बेस्ट।